हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प एकेडमी में। आज जो हम बात करेंगे वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किसके? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो देखिए, यहां से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इसे हम क्या बोलते हैं, हेड टेल लॉ भी बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट करते हैं, एंड देन जो अनदर लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट। तो यहां पर भी हमने वही करा, वेक्टर ए कंसीडर करा ओ से लेके पी तक, वेक्टर बी आपका पी से लेके क्यू तक, इन दोनों को मिला दिया और एक के हेड को दूसरे के टेल से, देन जो थर्ड लाइन थी वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, रिजल्टेंट। अब चूंकि एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है तो हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने क्या करा, की पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ओपी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया, जो कहां पर जाके मिले आपके एन पर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहां से प्रॉब्लम ऐसे भी बन सकती है क्या कि अगर दो वेक्टर्स आपके थीटा एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो हम यहां पे देखेंगे। देखिए यहां से, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो ट्राइंगल है पी एन क्यू, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देन इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू। तो देखिए यहां से, अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपका पी एन, हाइपोटेनियस कितना आपका पी क्यू, दैट इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू। और अगर ध्यान से देखें तो पी एन तो पी एन ही रहेगा आपका, लेकिन पी क्यू किसके इक्वल है आपका, बी के इक्वल। देन पी एन कितना आ गया यहां से आपका, बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालू, देन वो कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन एज इट इज रहेगा और पी क्यू कितना रहेगा आपका, बी। देन क्यू एन की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, बी साइन थीटा, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब मेन पर्पस क्या था इसे निकालने का, जब हम इस कंप्लीट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये डिस्टेंस और ये भी पता होनी चाहिए थी, तो वो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस, तो इन ट्राइंगल ओ एन क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहां से, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, That is, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर। तो ओ एन आपका दो पार्ट में है, ओपी प्लस पी एन, से ब्रेक कर देते हैं, ओपी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर, इधर क्या आपका ओ क्यू का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, ओ से लेके क्यू तक कितना आपका आर, तो ये कितना हो गया आपका आर स्क्वायर, ओपी कितना आपका ए, PN कितना निकाला था हमने, बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस QN कितना था हमारा, बी साइन थीटा स्क्वायर। देखिए यहां से, एन प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ेगा कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इधर कितना आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना आपका आर स्क्वायर। नाउ अगर हम यहां से देखें तो हम यहां पर भी बी स्क्वायर और यहां पर भी बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले ले कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दैट इज इसकी वैल्यू होती है वन, देन आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और आर कितना आ गया आपका रिजल्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं क्या कि अगर दो वेक्टर्स थीटा एंगल पर हैं तो उस सिचुएशन में उनका रिजल्टेंट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर की बात करें, तो देखिए यहां से आर कितना एंगल बना रहा है बेस से, बीटा दैट इज टेन बीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज क्यू एन अपॉन बेस कितना है, ओपी प्लस पी एन। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू एन कितना था हमारा बी साइन थीटा, ओपी कितना हमारा ए और पी एन कितना हमारा बी कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। एक बार फिर से देखिए ध्यान से,
ट्राइंगल एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना था आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, आपने दो वेक्टर कंसीडर करे ए और बी जो कितने एंगल पर है एक दूसरे से, थीटा एंगल पर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा, कहां जाके मिले टेन पर, हेड टेल लॉ के अकॉर्डिंग पहले का हेड है दूसरे का क्या आपका टेल। नाउ फिर आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में पीएन और क्यूएन निकाले, क्यों, क्योंकि आप इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसी पाइथागोरस थ्योरम लगाई जो टर्म्स रखी कॉमन लिया, कॉमन लेके cos का थीटा प्लस sin का थीटा कितना हो गया 1 हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट मींस अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं, रिजल्टेंट है आपका r, कितना एंगल बना रहा है बीटा, देन tan बीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस किसका सम है op और pn का, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आपके आगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए यहां से जो हमारा रिजल्टेंट आया इसमें हम स्पेशल केस भी कंसीडर कर सकते हैं, कैसे तो देखते हैं यहां से, मैं इस तरफ थोड़ा सा बता देता हूं। केस फर्स्ट, क्या थीटा आपका 0 डिग्री, देन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आर कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और कितना आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ गया आपका वेक्टर आर। केस सेकंड देखिए यहां से, ये कैसे हुआ cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो क्या होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। केस सेकंड की बात करते हैं, मैंने बोला थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है -1, तो इस बार जैसे cos 180 की में -1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना आ जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, r इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर और साथ साथ क्या स्क्वायर रूट, तो r कितना आ गया आपका a माइनस बी, वेक्टर फॉर्म लिखें तो ये हमारा कितना हो गया r वेक्टर इक्वल a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसी तरीके से हम केस थर्ड की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री cos 90 की कितनी हो जाएगी आपकी 0, और जैसे यहां 0 रखेंगे तो कितना बच जाएगा केवल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।